हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के एक इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, मैं आज बताने वाला हूं कि MT15 वर्जन 2.0 अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो आपको क्यों परचेस करनी चाहिए, किस लिए परचेस करनी चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं, क्या क्या आपको कंफर्टेबल देखने को मिलेगा, क्या क्या आपको बाइक के अंदर अनकंफर्टेबल देखने को मिलेगा, पूरी डिटेल मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस चलते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बाइक आपको परचेस क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बाइक की फीचर्स तो आपको ऑलरेडी मालूम होंगे, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला बाइक यामा MT15 वर्जन 2.0 किस लिए बिकती है आपको ऑलरेडी मालूम होगा। अपने लुक वाइज करते हैं, अपने लुक वाइज ये बाइक लोग परचेस करते हैं, क्योंकि ऐसा लुक जो है नेकेड वेरियंट बाइक में बहुत कम देखने को मिला है। जो भी नेकेड वेरियंट बाइक देखने को मिलती है उसमें आपको फुल लाइट देखने को मिलती है, लेकिन इसकी लाइट का सीन ही अलग है। मतलब बहुत ही अलग और यूनिक एडवांस लेवल की नेकेड वेरियंट बाइक लगती है, वो भी लो प्राइस में। यामा का जो सीन है ना बाइक को लेकर, इसको लेकर, इसके लो प्राइस का सीन है। क्योंकि अभी इस बाइक में आपको मालूम होगा कि इस बाइक में थोड़े से जो फीचर्स हैं वो यामा ने डिसअपॉइंटेड करे हैं, मतलब इस बाइक के अंदर नहीं दिए। जैसे ड्यूल चैनल ABS है, क्विक शिफ्टर है, और ट्रैक्शन कंट्रोल है, और भी काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं। 4x4 इंडिकेटर का ऑप्शन है, जो कि आपको यामा R15 M और B4 में दोनों में देखने को मिलता है, वो इसके अंदर मुझे देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर यामा इस बाइक के अंदर सारे फीचर्स दे देगा, हालांकि ये बाइक वर्जन 2.0 है, जैसे कि आप कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं, क्योंकि सारे कलर के हिसाब से इस बाइक का ये वाला कलर है वो आपको बिल्कुल देखने में पता लग जाएगा कि वर्जन 2.0 है, यामा MT15 वर्जन 2.0 ये बाइक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर यामा इस बाइक के अंदर सारे फीचर्स दे देता और लो प्राइस रखता, तो जो उनकी यामा R15 B4 बाइक है, यामा R15 M बाइक है, जो कि स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक रहती है, फियरी बाइक रहती है, उन बाइकों को परचेस क्यों करेगा कोई, क्योंकि सारे फीचर्स में दे देगा और ये बाइक जो लो प्राइस में दे देगा 1,92,000 में। अगर यामा इस बाइक को देने वाला है, सारे फीचर्स के अंदर देने वाला है, तो वो जो बाइक है कैसे सेल होंगी वो वाली बाइक। तो इस बाइक को यही मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इस बाइक को देखने में मतलब कोई भी अगर अलग बंदा देखेगा ना, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये बाइक 2 लाख से कम है, मतलब 1,92,000 रुपये की, मतलब 2 लाख के हिसाब से इस बाइक को बताएगा नहीं। बाइक का जो लुक है ना, काफ़ी एग्रेसिव लुक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ एक बार सिनेमेटिक शॉट में, चलिए देख लीजिए। आपने देख लिया, तो बाइक जो देखने में लगती है ना, कोई भी जो बंदा नहीं जानता होगा इसको, बंदे के बारे में नॉलेज कम होगी, उस बंदे को ये बाइक 2 लाख की नहीं लगने वाली। जल्दी आपने देखा होगा ये बाइक जो है MT15 ओल्ड वर्जन भी इसका काफ़ी रहा था इंडियन टूर मार्केट में, और इसी हिसाब से यही चीज़ देखते हुए यामा ने वर्जन 2 लॉन्च की है। मैं आपको बता दूं, यामा MT15 वर्जन 3 भी मैं बता रहा हूं 100% श्योर, आई एम श्योर कि इस बाइक को 3 वर्जन में भी लॉन्च करेगा, जिसके प्राइस थोड़े 2.5 लाख के हिसाब से होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। और इसमें आपको सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ड्यूल चैनल ABS, सस्पेंशन तो आपको इसी में मिल ही गए हैं, और जो भी मैंने डिसएडवांटेज बताए हैं, एडवांटेज बताए हैं, जो भी कमी है वो वर्जन 3 में आई होप कि यामा कंप्लीट कर दे। क्योंकि इस बाइक में जो है ड्यूल चैनल का ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि ड्यूल चैनल ABS को लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे यामा से कि इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, बट गाइस वो इस बाइक के अंदर नहीं मिले हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि बाइक को राइड करने में और बाइक के मीटर में, बाइक के मिरर्स में, बाइक की हेडलाइट, बैकलाइट, सारे इंडिकेटर्स में मेरे को कोई भी कमी नहीं लगी है। राइडिंग पोजिशन में, बाइक के माइलेज को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। और बाइक की ब्रेकिंग में मैं आपको मतलब कोई मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं है बाइक के अंदर। जो भी डिसएडवांटेज है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वीडियो आप देख सकते हैं बटन में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके। तो गाइस बिल्कुल प्रॉपर मैं आपको बता दूं, प्राइस के सेगमेंट के हिसाब से बाइक एकदम ऑसम है, बॉम्ब है, कोई भी मेरे को कोई डाउट ही नहीं है बाइक को लेकर। बाकी कलर तो आपको मालूम ही है, इंटरनेशनल लेवल कलर है, इंडियन मार्केट में पहली बार ये कलर आया है। जहाँ भी मैं बाइक को लेकर जा रहा हूँ सब पूछ रहे हैं भाई कौन सी बाइक है। ऑलरेडी जिनको जानकारी है MT सीरीज़ के बारे में, उनको ऑलरेडी मालूम है कि MT15 है, क्योंकि MT की पहचानी इसका बोनेट है या फेस है या इसका आगे का लुक है, जो कि नेकेड लुक है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब मैं इसमें बाइक में जल्दी ही फिलहाल मैं आपको मॉडिफिकेशन की वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं मॉडिफिकेशन वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ बाइक को लेकर। तो गाइस वीडियो यही थी, बाकी
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस मिलते हैं आपसे अगली बार एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।